भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को कटक में हुआ था और आज उनकी 122वीं जयंती है। तो चलिए हम आपको परिचित कराते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुछ ऐसी बातों से जिन्हें हर भारतीय को जानना चाहिए ताकि याद रहे उनकी कुर्बानियां। तो चलिए हम आपको बताते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ रोचक बातें। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए नेताजी ने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। कहा जाता है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से मदद लेने की कोशिश की तो ब्रिटिश सरकार ने 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। इस सेना को जर्मनी, जापान, फिलीपीन, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड ने मान्यता दी। 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। आजादी के लिए कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया। ये एक लंबा और बहुत ही भयानक युद्ध था। बोस के पिता उन्हें ICS बनाना चाहते थे, इसी कारण उन्होंने उन्हें विदेश भी भेजा। 1920 में बोस ने ICS की वरीयता सूची में 4th स्थान प्राप्त करते हुए पास कर ली, लेकिन उनके दिलो दिमाग पर तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों ने कब्जा कर रखा था। ऐसे में IAS बनकर वह अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाते, इसीलिए उन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया। 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव ES मॉन्टेग्यू को ICS से त्यागपत्र देने का पत्र लिखा। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहराकर सुभाष चंद्र बोस एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। सुभाष चंद्र बोस को 11 बार जेल हुई। जब सुभाष चंद्र बोस जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा करवा दिया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी जी अपनी ओर से दिया गया वचन तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को ना बचा पाने पर सुभाष चंद्र बोस गांधी जी और कांग्रेस से बहुत नाराज हो गए। ऐसा कहा जाता है कि अगस्त 1945 में ताइवान में हुई तथाकथित विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। नेताजी का शव आज तक नहीं मिला, इसलिए आज तक उनकी मौत पर विवाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।